डियर हमरा एक बेटा मरवा दिया गेला था उसका। अरे एक मेरा बेटा जेल में पचवा दिया कुत्ते ने। माता जी जब मैंने कोई भगवान है उस सो का नाश दाई। अरे आज मैं मेरी बात मारो। अरे मेरा घर बर्बाद कर दिया उसने उसका। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भैया राम राम। मैं हूँ दिनेश कुमार, फिलहाल रोहतक जिले के रुड़की गांव में मौजूद हूँ। आपने बेरा है काफ़ी वायरल एक मामला है। प्रदीप हुड्डा जो 33 साल का एक लड़का था, दिल्ली पुलिस का जवान था, उसकी 21 नवंबर 2022 को उसके घर में ही हत्या हो जाती है। क्या कुछ जो मामला था वो सारा आपने सोशल मीडिया पर देख लिया। उनकी जो माता जी हैं ये आप देख सकते हैं अपने बेटे की इस तस्वीर को लेके, जो कई दिनों से लगातार बिलखने लग रही हैं। बहुत सारे चैनलों पे ये आ चुकी हैं लेकिन अभी तक प्रशासन की आंखें नहीं खुली हैं, ये इस परिवार का कहना है। क्योंकि जो कार्रवाई, जो उचित कार्रवाई इनको लग रहा है कि इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई, और आज तक जो है प्रदीप का जो भी हत्यारा है या जैसे भी जो है इस मामले का पूर्ण रूप से खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर प्रदीप की मौत कैसे हुई, क्या उसकी वजह थी। ये तो था कि वो उसको गोली लगी है लेकिन कैसे लगी है, किसने मारी है, कौन उसका हत्यारा है, क्या उसकी वजह है, इन सब चीज़ों से जो है अभी तक जो है कोई भी इन चीज़ों से अवगत नहीं हो पाया है। और इस पूरे जो है घटनाक्रम पे अभी भी पर्दा ज्योगा त्यों डला हुआ है। माता जी हमारे साथ हैं। माता जी राम राम। क्या नाम माता जी आपका? निर्मला। निर्मला जी, अच्छा आप बहुत सारी बातें जो आप बता रहे थे, बाकी तो सारी जो है सोशल मीडिया पे चल रही हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी पुत्र वधू, अभी पहले जो आप मीडिया पे आए हो फिर आपकी पुत्र वधू जो है वो मीडिया पे आ चुकी है, उन्होंने बहुत सारी बातें ये कही हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, जो पोती है प्रदीप की जो लड़की है उससे भी आप झूठे बयान करवा रहे हो, दादी जो आपका नाम ले रही है कि दादी उसको पिटाई करके, उसकी पिटाई वगैरह करके और उससे गलत बयानबाजी करवा रही है, क्या जवाब दे रहे हो आप इनका? बेटे गाल है मेरी, मैं अपने पोता पोतिया की मारी जी दे दूंगी, अपने पोता पोतिया ने क्यों मारूंगी जिसे मेरा बेटा भी जा रहा ठीक है। अरे पहली बात उनका कहना के है, बोला मां नाजर तूड़ा गेर कहा करते, उसकी बेटी कहा करती तूड़ा है, नाज कितना गेर कदा थी वाह। अच्छा ये कौन कह रहा है ये बातें? उसकी माँ। मेरे बेटा प्रदीप स्पेशल सेल में जो मेरे बेटे ने नाम मिल जा कर तीन, मेरे बेटा होलता था उनकी तनखा थी पहले साल मुझे 26-27 लाख रुपया मिल लिया था। मेरे बेटे का यू कर पाओगा, यू पाओगा जिसकी स्टोर। एक बार ये मेरे को दो स्टोर, ये एक बार मैं बताता हूँ। यही बात थी जो ये माताजी हमारे सामने भी आते ही इन्होंने हमें एक बात कही कि भाई एक बार कैमरा ऑन करो, और जो वो लोग ये कह रहे हैं कि सारा जो है सब कुछ है, जो खाने के लिए अनाज वगैरह सब कुछ जो उसकी ससुराल से आता था प्रदीप की ससुराल से, तो उस बात का जो ये लोग जवाब दे रहे हैं कि प्रदीप स्पेशल सेल में था, उसकी इतनी इनकम थी तो वो पैसा कहाँ जाता था, क्योंकि प्रदीप ने जो है अपना घर भी नहीं वो बना पाया। आज भी जब हम आए हैं तो टपका जो है भाई, बारिश का मौसम चल रहा है, आपको दिखा दो एक बार है जो है अभी भी देखो ये उधर कुछ निशान आपको मिल भी जाएंगे, आप देख सकते हो जो जो छत है वो चूने लग रही है, और अंदर भी एक इधर ये जो स्टोर है उधर देखो ये जो स्टोर है अलमारी के पीछे इसमें कड़ी है वो टूटी हुई है। तो इस माता जी का यही ये सब दिखाने का मकसद इनका ये था कि भाई जो प्रदीप की जो कमाई है वो कहाँ जा रही थी। इनका कहना है कि प्रदीप की जो पत्नी है मोनिका, वो जो प्रदीप की जो इनकम होती थी वो उसको कहाँ पे जो उसको भेज रही थी, ये कहना है। एक बार इनसे ही हम एक बार दोबारा से आपके सामने वो बातें हमें एक बार माता जी जो आप बता रहे थे जो इनकम को लेके आप बता रहे थे वो क्या कुछ बात थी? न्यू बात थी, इसकी माँ का फोन आया, न्यू बोली बेटा इनका बाप नहीं है, उस अशोक डेड जो मेरे बेटे बाबत मरवा रहा मेरे बेटे ने मोनिका उसका जीजा है, उसकी गेला गलत थी, बोला उसकी तो कमाई नहीं है बेटा, तू घर पाछा बना लिया, मेरा बेटा नहीं मिला मैं प्लाट में घर बनाऊंगा, नहीं भाई तू पाछा बना लिया पर भी ने डेढ़ ने मारा दे रखा बीत न्यारी कटवाव है मेरे दौरे पीसा को ना और मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अरे परवीन ने न्यारी बीत कटवाई है। परवीन कौन है? उसकी ताऊ का छोरा श्रीलाल का, हाँ उमरा चौधरी है बड़ा। अच्छा वह जो है उड़े न्यारे नूरे हुए होंगे तो उन्हें प्रवीण का जो साला है उसने घर बनाना था अपना, हाँ प्रवीण के साले प्रदीप के साले ने बनाना, प्रदीप के सॉरी प्रदीप के साले ने अपना घर बनाना था और प्रवीण ने अपनी न्यारी भी कटवाई है।
नी बोली पहले साझे की थी, यू नी बोला मैं अपना घर प्लाट में बनाऊंगा, मेरे घर की कड़ी टूट गई। पैसा मतलब यहाँ से प्रदीप से लेके गए घर बनाने के? प्रदीप उसने पीसा जोड़ कर उन मिट गई, वाह वो मन बुझन ला गया, मैं पीसा मैं घर बनाऊंगा। मैं बोली बेटा तेरा भी टपकर कोई बात ना, रिश्तेदार रिश्तेदार का जोटा मार दिया करे। उन्हें बोला कि ताऊ का, मैं बोली बे थोड़े बहुत तेरा ताऊ दे देगा, जिसमें तू रहा करती डॉक्टर में रहा करती असरुद्दंत है, और सरकारी डॉक्टर है, और उसका बड़ा बेटा भी जो उसका सा है वो भी डॉक्टर से है। उन्हें वो नहीं बोली छोड़ती है, नहीं बोली उन कुत्ता मैं पीसा मांग कौन है, उन कुत्ता ने तो मेरा बाप मेरे पास हमारे घर पर केस कर दिया। उन्हें रोहित बुलाक है, मेरे बेटे ने जितना पीसा आया था उन्हें मेरा का नहीं बताई कितना पीसा दिया है। उन सारा पीसा रोहित स्कूटरी में गाल के अपने ससुर अरे घर ले गया था। तो ईश्वर की मान की वही बात कहनी थी, नहीं बोली बेटा तू मकान बनाओगा ना, मेरा 2 बीघे धरती है 4 बीघे तुमने टेकन है, तन उल्टे पीछे दे दूंगी। ईश्वर ने अपने घर डिगर की जापी में 10 दिन की कह गई थी, मेरे तो 1.5 साल तो बोलिया नहीं करती, 9 साल तो नारी थी। तो इसने कही बोला तू आ जा, अरे बोला घर टपकन लग रहा जाडेगा काम, हम किच सोएंगे, और पीसा लिया मैं अपना घर बनाऊंगा। जब प्रदीप ने कहा मोनिका को, हाँ। मोनिका उस टाइम पे अपने मायके गई हुई थी, कितने दिन से थी वहाँ पे? वो आई थी भी ना 1 महीने 15 दिन में आई थी, 1 महीना 10 दिन में आई थी बेटा, मेरा न्यू ध्यान नहीं। तो उस टाइम पे जब वो अपने मायके में गई हुई थी जापे वगैरह में, तो प्रदीप इनकी प्रदीप की माता जी आकर आगे प्रदीप ने उसके पास फोन किया कि जो पैसे जो दे रखे हैं तुम्हारे घर वालों को या तुम्हारे भाई को, जो पैसे दे रखे हैं वो दे रखे थे या नहीं दे रखे थे वो एक जांच का विषय है, बाकी जो फिलहाल जो परिवार कह रहा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जो पैसे दे रखे हैं वो पैसे तुम लेकर वापस आ जाओ, मुझे जो है अपना ये घर बनाना है, यानी ये प्रदीप को ये घर जो आप देख सकते हो इसकी ऊपर से जो छत है वो भी कच्ची बताई गई है बरसात के मौसम में, और अभी इसी फिलहाल कितनी बारिश होने लग रही है ये छत चौने लग रही है। तो इसी तरह से जो है बार बार जो है चमास्य का जब माता था तो उस इनका कहना है कि ये दिक्कत सामने आती थी, तो प्रदीप ने अपनी पत्नी को कहा कि वो पैसे लेके वापस आ जाओ। तो जब उसने कहा कि पैसे लेके आ जाओ तो फिर वहां से क्या जवाब आया था माता जी? उसकी लड़ाई मच गई, मैं रोटी देना आई थी क्यों अगर जा करती, जवाब ने बोला नहीं करती, 1.5 साल तक बोलती क्यों 24 घंटे फोन ना पर आया करती, बड़का ने रोटी भी नहीं दिया थी टेम्पो में, रोटी भी मेरे पड़ोसिया ने बुझ लेने क्वारी कर ले बेटा, मैं पुप दिया करती वहां सारा दिन अपने जीजा के लिए रहा करती, बतलानती मेरा बेटा तो एक भी नहीं बयान का बढ़िया करता कि बदमाशा ने पकड़ा था सर आगरती, मतलब फोन पर आगरती बेटा वाह, और मान का बैठ जानती तो फोन न काट देती। तो उसने मेरी बेटी दो फोन करया, मेरी बेटी बरोली है, नहीं बोली तेरी माँ मेरे घर का नाश करावेगी, मेरे घर के गु खाना जब उसका घर नहीं जानती, वह नहीं बोली माँ तू क्यों जाया करे, मैं बोली आई मेरा पोता पोती है, नहीं बोली जब माने पोत मैं आम मई निकली बढ़ती हमारा क्यों बने, मैंने बेटा आना बंद कर दिया उसको, क्यों अशोक तो बात करा करती, अशोक ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, अरे मेरा एक बेटा बर्बाद गेला था उसका, अरे एक मेरा बेटा जेल में पचवा दिया माता जी। जब भगवान है उस अशोक का नाश था, अरे आज मेरी बात मानो, अरे बराबर बर्बाद कर दिया उसने। और भी जो बातें हैं वो भी अमीन से एक बार बात करेंगे, तो साथ के साथ आप वीडियो ने साथ के साथ शेयर करते रहो, और कमेंट बॉक्स में भी अपने विचार आप जरूर रखना कि आपको इस मामले में क्या लग रहा है। अच्छा माता जी, तो फिर वो पैसे लेके आई या नहीं आई जो वापस आई? उस नाट क्या था बोला मेरा घर बढ़िए मत ना, वह क्यों 10 दिन आ रहा थी 6 महीना उड़ा रहा थी बेटा, वह उसका आड़ का जीजा नहीं सकता, वह जीजा के चक्रा में तीर उसने का बाबू भी आ करता 12 साल तीन का झगड़ा था, या मेरे पड़ोस ने बूझ ले रात ने भी। अच्छा जब वो आई तो पैसे लेके नहीं आई, तो फिर उसके आने के कितने दिन बाद ही हादसा हुआ? 3-4 दिन बाद हुई थी। 3-4 दिन बाद हुई थी। जी। इनकी लड़ाई भी मची दिन में, और फिर तो आप लोगों का उस टाइम पे जब ये हादसा हुआ तो उस टाइम पे जो तुरंत जो पहला शक आप लोगों ने किया होगा तो किस पे किया उस टाइम पे? बेटा जिसका जवान बेटा डिगड़ जाए किस पर करा, हमें करना हो तो इस बहू या नारी रखते मिशन नटवा दे, जो भी बयान दे रही है पीछे के मारे कर रहे हैं, मेरा भाई पीछे का मारा मार दिया उस भाई मत के पीछा लेकर अच्छा। प्रदीप के जाने के बाद 5-7 महीने यहाँ पे रही है वो? 5 महीने रही है, मेरे पड़ोसन ने पूछ ले 5 महीने जो रही है, तो उस टाइम पे उन 5 महीनों में उसका व्यवहार कैसा था यहाँ पे? उसका व्यवहार यू था, मसी बड़ी चैनी है मेरे पड़ोसने ने बुझ ले आड़ नायण है मेरा सख जब पड़िया, वह नायण ने उधर फोन नंबर था,
वह ऊपर बैठा करती अपने घर में, न्यू करती मेरे छोटे पर भी ने न्यू बोला माँ मेरा भाई तो गया मैं भाभी ने नहीं एक लीवड़ा रोएगी न्यू करेगी सामान प्रेंदर दिया वह ऊपर बुला कर ने मालिश करवाती अपने हाथ पाए कि वह करवाया करें उन्हें पाछा करवाई थी बेटा उन्हें कटिंग करवाई मैं दिलवाई तेर मैदे ने अच्छा तेर मैदे ने जमरा सक पड़ा मैं ऊपर गई आड़े का लोग आई आ गई तेरहवें दिन मेहंदी लगवा ली थी उसका सर में दोरा फूल है और वानी बोली मैं जाएंगी ना मेहंदी सर में लगवाई थी हाथों में मेहंदी सर में लाई थी बेटा मैं झूठ नहीं बोलूँ और उन्हें कटिंग करवाई थी ईट तो बाल दब रही थी अत मैं गई मैं बेटी बड़ा रोनती होगी मेरी बेटी आ रही थी मेरी फूफा डटी रही थी मैं गई अपनी बहू ने तले ली आऊँ जे मैं बोली आई मोनिका इतने यू के कर लिया गाँव में खटोला गाल रही बोली तो भी इसे कितरिया करे वो प्रदीप तमरा पास चला गया रहा करता है तू ला गया मैं बोली आज मेरी बेटी ने 13 दिन हुई हैं के कहीं लोग आई भजन का दांद की दूध लेना आई भी हाथ मसले थी नहीं बोली वे गाना गलत करी उन्होंने बीस पड़ोस हम दे बेटा गाँव में यही कहा कर बीस आग कही जिस दिन मेरे बेटे 19 दिन हुए थे उस दिन फोन करके उसने सोनू की बुआ चूड़िया आई है वह बुलाई बेटा गई पाचे जो करिए बड़े ये सारा समान फेंक दिया करे उन करीम और पाउडर और अपनी लिपस्टिक नुआ के सी नू पाले सुस पर खरीदती मेरे पातले की धरती लकड़गी मेरी बेटी नरी रोई मैं बोली बेटी कोई बात ना इसने कर लें दे कदे अज दम करती हो मेरा बेटा तो गया कदे मेरे पोता पोतिया ने दूर ले जाया जे वो रात में मेरी इस बड़ खाट थी फिर मैंने न्यू नहीं बेरा था मेरे बेटे ने यहाँ मार रही है न्यू बड़ खाट उड़े परले घर में और उसका न्यू बड़ बैठ था मेरे कहने तो रूम हीटर कर देती और आप होना वह बतलानती वाह न्यू करता उसने बताया तेरी सासू तो अग है नी बोली फद्दू लगाई है सोगी होगी जिसका जवान बेटा मर जा है वो मान के नहीं दावा बेटा ये बातें अपने अपने कानों से सुन रखी हाँ कानों से सुन रखी बेटा मैंने अरे जब मैं ऊपर तो मेरा बड़ा गला मैं चाह बड़ा गला ना जब सेजल मेरी पोती ने न्यू बेरा तेरा बाप मर रहा है जब उसने सोग डेढ़ ने खड़ा सहमी फोटू कर कर भी अपनी बेटी पवा पापा कवा है जिसमें मेरा बेटा जा रहा मनाते कही मारा सारा लगा यू कुत्ता तेरे पापा खड़ा होता मेरा बेटा छोटा उन्हें पापा को इसका के मतबल है मेरा बेटा बेटा अशोक ने मरवा दिया रे मास जोड़ के को अशोक तो सीढ़ा नहीं होगा रे तूने बर्बाद होगा मेरी हाथ मारो है पुलिस प्रशासन से क्या अपील कर रहे हैं माता जी पुलिस प्रशासन से क्या अपील कर रहे हैं बेटा जी उसका के कर रहा है उसका हमारी कोई सुनवाई नहीं होती क्या कहना चाहोगे प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो क्या कहना चाहोगे माम नहीं चाहोगे मेरे बेटे ने न्याय दवाओ न्याय दवाओ न्याय क्यों नहीं दवाते ना दुआ मेरे बेटे ने बहुत बदमाश पकड़ रखी तो भाई वीडियो ने आप देख रहे हो और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी देना किस तरह से एक माँ है जो वो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए वो बिलख रही है और भाई देखो हत्यारा चाहे कोई भी है किसी भी तरह का कुछ भी ये मामला है हम भी प्रशासन से यही जो है निवेदन करेंगे कि मामले की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से ये मामला सोशल मीडिया पे जो है वायरल हो चुका है और काफ़ी ट्रेंड में जो है ये मामला चल रहा है हर आदमी जो है इस मामले में जानकारी जानना चाहता है कि आखिर इस प्रदीप की मौत के पीछे का राज क्या है जो पर्दा अभी तक जो है उसके ऊपर गिरा हुआ है वो पर्दा कब उठेगा कब उसका खुलासा होगा कब पता लगेगा कि प्रदीप की मौत कैसे हुई थी तो भाई यही सब जानने के लिए जो हमारी टीम यहाँ पे पहुँची थी आपको इस मामले में क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक ये मामला पहुँचे और इस मामले में एक निष्पक्ष जांच और इस परिवार की जो है संतुष्टि हो सके इन सब बातों के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त जय हिंद जय हरियाणा।